वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट और अब लेवल फोर में आप देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर एडजेक्टिव्स तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव्स को क्या करें डिफाइन करेंगे ओके okay. तो लेट्स सी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन कोई भी वह वर्ड जो नाउन की मीनिंग को कुछ और डिफाइन करे उसके बारे में कुछ कहता है कुछ भी एनी थिंग टेल्स अबाउट द नाउन इज ओके okay? कुछ एड कर दिए नाउन के बारे में जैसे दिस इज पेन तो पेन तो व्हाट पेन ब्लैक पेन तो ब्लैक इज एडजेक्टिव ओके okay? ब्लैक इज एडजेक्टिव तो किसी भी नाउन के बारे में यदि कुछ बता रहे हैं तो उसका गुण बताइएगा उसका विशेषता बताइएगा उसकी क्वांटिटी बताइएगा क्वालिटी बताइएगा तो दो ही आर एडजेक्टिव्स तो एडजेक्टिव्स क्या है सिंपल एडजेक्टिव इज अ वर्ड ओके एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और एडजेक्टिव्स रिमेन द सेम फॉर सिंगुलर एंड पुलर नाउंस और प्रोनाउंस और सिंगुलर हो चाहे पुलरल हो कैसा भी हो उसके लिए एडजेक्टिव सबके लिए सेम ही होता है गुड अगर बोल रहे हैं तो गुड बॉय या गुड बॉयज दोनों के लिए गुड ही होगा गुड्स नहीं होगा कि गुड्स बॉयज वैसा नहीं होगा पुनरल हो, हो चाहे सिंगुलर हो कुछ भी हो ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल्स ओके बोथ के लिए ब्यूटीफुल चाहे सिंगुलर हो चाहे पुनरल हो ऐसा नहीं कि पुनरल हो गया तो ब्यूटीफुल्स कर दीजिए नहीं एडजेक्टिव का पुरल नहीं होता है ओके इट इज अ वेरी सनी डे सनी क्या है डे के बारे में बता रहा है सनी तो सनी बता रहा है किसके बारे में डे के बारे में तो सनी इज एडजेक्टिव अ रिच मैन कैसा आदमी है तो रिच मैन है अमीर आदमी है किसके बारे में रिच बताया जा रहा है मैन के बारे में तो रिच इज एन एडजेक्टिव हेल्प द नीडी पीपल किसको हेल्प कर रहा है नीडी पीपल जिसको आवश्यकता है तो नीडी क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया क्योंकि तो पीपल के बारे में नीड बता रहा है तो एडजेक्टिव क्या होता है ये क्लियर हो गया अब एडजेक्टिव होते हैं कितने प्रकार के ये हम लोग जरा देखें तो एडजेक्टिव जो है वो होते हैं सिक्स काइंड्स सिक्स प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स छह प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं और प्रत्येक एडजेक्टिव्स को हम लोग बारी बारी अब स्टडी करेंगे ओके okay? तो लेट्स सी द फर्स्ट एडजेक्टिव जो है वह है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्या गुण क्वालिटी क्या क्वालिटी है इस पेन का क्या क्वालिटी है इस मिठाई की क्या क्वालिटी है है ना और सर की पढ़ाई की क्या क्वालिटी है तो क्वालिटी समझ गए सब लोग समझ गया एड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन किस प्रकार का पर्सन है वॉट काइंड ऑफ ए Person, या व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वह किस प्रकार का है मिठाई कैसा है स्वादिष्ट है मीठा है अच्छा है कितना स्वादिष्ट है कितना मीठा है है ना कितना स्वादिष्ट है कितना मीठा है कितना अच्छा है व्हाट काइंड व्हाट काइंड है ऑफ व्हाट काइंड जो आंसर देगा वो किसका देगा आंसर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव का वो क्या है एड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यू यू एल आई टी वाई दिस इज काइंड जैसे चेन्नई इज बिग सिटी तो व्हाट काइंड ऑफ़ सिटी कैसा शहर है तो बिग सिटी कैसा सिटी है तो बिग सिटी व्हाट काइंड ऑफ सिटी तो आंसर आया बिग सिटी तो बिग इज एडजेक्टिव बिग इज एन एडजेक्टिव व्हाट

क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है किससे ऑफ व्हाट काइंड का आंसर होता है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सेकंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 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 मतलब मात्रा है ना एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड कितना सामान है है ना हाउ मच का आंसर जो होता है वो देता है क्या एड्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच हाउ मच यानी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल हाउ मच जो होगा उसका आंसर कैसा आएगा अनकाउंटेबल हाउ मेनी रहेगा तो काउंटेबल तो एड्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है दिस इज आंसर ऑफ हाउ मच ओके तो ये हो गया क्वांटिटी अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटी ओके ही उसे कुछ पैसे चाहिए कुछ सम तो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव सम बता रहा है किसके बारे में मनी के बारे में कुछ तो सम एडजेक्टिव बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मच सी इनफ फूड उसके पास पर्याप्त भोजन है पर्याप्त कितना है उसे तो तौल या नाप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं तो दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मच हम कहते हैं हाउ मच फूड तो आंसर आया एन एफ फूड तो एन एफ जो हो गया वो क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर सो हाउ मैनीसन्स और थिंग्स आर मिंट हाउ मैनी पर्सन और एड्जेक्टिव ऑफ नंबर इज एंसर ऑफ हाउ मैनी हाउ मैनी का आंसर है यानी यह जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिस इज काउंटेबल वाट इज दिस काउंटेबल ओके एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज अनकाउंटेबल ओके एक काउंटेबल हो गया दूसरा क्या हो गया अनकाउंटेबल सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इज द आंसर ऑफ हाउ मच एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर तो नंबर तो काउंट होता है हम लोग कहते हैं ना काउंटेबल नंबर तो काउंटेबल होता है यानी दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मेनी ओके एंड मेनी और मच का और काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम लोग पढ़ाए हैं ना यस वेरी गुड तो द सेकेंड गर्ल वॉन द प्राइज तो सेकंड गर्ल कौन तो दूसरी लड़की गर्ल वॉन द प्राइज तो सेकंड हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव देर आर थर्टी स्टूडेंट इन द क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो 30 तो द्वारा एडजेक्टिव एवरी वन अंडरस्टैंडिव ऑफ नंबर एंड एड्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए ना ये अनकाउंटेबल है ये काउंटेबल है ये हाउ मच का आंसर है और ये हाउ मेनी का आंसर है ओके सो सिंपल इंग्लिश इज सो सिंपल इंग्लिश से आसान कुछ नहीं है सबसे आसान इंग्लिश है आप पढ़ते जाओ सुनते जाओ आपकी इंग्लिश फराटेदार होगी फोर्थ है डेमोनिस्ट्रेटिव एड्जेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है डेमोनास्ट्रेटिव एड्जेक्टिव डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू पॉइंट आउट सम और थिंग्स पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेमोनस्ट्रेटिव एड्जेक्टिव दिस दैट दीज दो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोनस्ट्रेटिव एड्जेक्टिव कोई भी नाउन के पहले कोई वर्ड रहे तो वह एड्जेक्टिव होता है एडजेक्टिव पहचानने का तरीका ही यही है प्रोनाउन हो सकता है कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन उस सेंटेंस में वहां पर वह एडजेक्टिव्स का भी रोल अदा कर सकता है जैसे दिस गर्ल इज सिंसियर तो दिस इज प्रोनाउन दिस इज प्रोनाउन बट हेयर गर्ल के पहले दिस है तो यह दिस किसके बारे में बता रहा है इस लड़की के बारे में बोल रहा है या जो दिस है यहां इस सेंटेंस में इस गर्ल के बारे में बोल रहा है इसलिए दिस क्या हो गया एडजेक्टिव बट विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्वेश्चन आया विच टाइप विच ल सवाल के विच गर्ल तो दिस गर्ल दिस गर्ल दिस गर्ल डेमोस्ट्रेट किए पॉइंट आउट किए है ना तो दिस इजिवजे दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव दीज स्टार्स आर बिगर दैन दोज स्टार्स तो दीज एंड दो आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो एवरी वन ओके फाइन तो वी मूव नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी वैसा एडजेक्टिव जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो क्वेश्चन हो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाई नाउंस एंड यूज टू आस्क क्वेश्चन क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स डिफिनेशन याद करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाई नाउंस एंड यूज टू आस्क क्वेश्चन विच वे विच वे विल यू गो वाट कलर देखते हैं कलर के पहले वाट है वे के पहले विच है नाउन के पहले आपका विच वाट लगा हुआ है तो यहां इस सेंटेंस में ये क्या है एडजेक्टिव है एंड यह कैसा एडजेक्टिव है तो यह आपको क्वेश्चन कर रहा है इसलिए पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ओके okay? और एडजेक्टिव कौन होता है जो नाउन के बारे में सेंटेंस को बोले है ना नाउन के बारे में किसी सेंटेंस में बता रहा है व्हाट तो तो कलर तो किसके बारे में कलर के बारे में पूछ रहा है तो एडजेक्टिव है लेकिन यह कैसे तो क्वेश्चन एराइज हो रहा है ओके नेक्स्ट सिक्स पोजेसिव एड्जेक्टिव पोजेसिव मान पोजेशन लो अधिकार लो स्वामित्व ऑनरशिप पोजेसिव एड्जेक्टिव शो ऑनरशिप और पॉजेशन पोजेसिव एडजेक्टिव क्या शो करता है ऑनरशिप नहीं तो पॉजेशन शो करता है तो पोजेसिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हुज पोजेसिव आंसर एडजेक्टिव जो है वो आंसर है किसका हुज का द रिप्लाई ऑफ हुज इज पोजेसिव एडजेक्टिव रानी वेंट टू हर न्यू हाउस रानी वेंट टू हर न्यू हाउस तो हर इज पोजेसिव एडजेक्टिव योर पेन इज स्मूथ योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव योर पेन यानी तुम्हारा कलम तो योर यहां पर क्या है किसी का अधिकार बता रहा है है ना तो किसका योर पेन तुम्हारी कलम मेरा नहीं योर पेन तो योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव ओके तो आप ये भी समझ गए हो कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है तो एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं ये तो सभी लोग समझ गए सभी का क्लियर सिक्स टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं ओके okay. चलिए अब हम लोग एक्सक्यूट नाउ प्लीज आ गया क्वेश्चन अब दो सेकेंड जरा आप टाइम दे दो तो हम लोग समझ गए एडजेक्टिव्स क्या होता है नाउन के बारे में जो बता दें वो एडजेक्टिव्स होता है जैसे मेरा मोबाइल तो मेरा ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हो गया माय मोबाइल है ना तो कैसा एडजेक्टिव है माय तो ये भी आप बता सकते हो पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार बता रहे हैं है ना ओके एवरी वन अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वान्टिटी और नंबर हमें क्या करना है पहला तो अंडरलाइन कर देना है एडजेक्टिव्स को दूसरा बताना है कि वह क्वालिटी है एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो फर्स्ट है आई मच होमवर्क टू डू तो हेयर मच मच किसके बारे में बता रहा है होमवर्क के बारे में है ना आज मुझे बहुत होमवर्क मिला है तो आई हैव मच होमवर्क टू डू मेरे पास आज बहुत होमवर्क है करने के लिए तो मच इज एड्जेक्टिव बट विच टाइप मच अनकाउंटेबल इसलिए ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ओके तो मैं एड्जेक्टिव ऑफ नहीं लिखता हूं सिर्फ आप समझ लीजिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हो गया सेकंड द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर कैसा फ्लावर है तो ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है फ्लावर के बारे में क्या बता रहा है उसका गुण सुंदर है ब्यूटीफुल है यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये क्वालिटी हो गया क्यू यू एल आई टी वाई क्वालिटी थर्ड देखिए फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक तो फिफ्थ डे डे हो गया नाउन डे तो नाउन है ये सभी लोग जान रहे हैं तो so, कैसा डे है फिफ्थ डे पांचवा दिन फिफ्थ डे यानी एड्जेक्टिव ऑफ नंबर इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये तो काउंटेबल है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ओके सिंपल एंड फोर्थ देखिए रेनबो कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स तो सेवन कलर्स रंग नाउन हो गया और कलर्स नाउन के बारे में बता रहा है कौन सेवन हाउ मैनी कलर्स तो सेवन कलर्स तो सेवन क्या हो गया नंबर हाउ मैनी का एंसर है नंबर एन यू एम बी आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया सी लॉस्ट ऑल हर वेल्थ She lost all her wealth. Her, तो आपका प्रोनाउन हो गया नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए उसी को एडजेक्टिव्स कहते हैं तो किसका वेल्थ लॉस्ट ऑल हर वेल्थ सभी अपना पूरा ऑल हर वेल्थ जितना भी उसके पास वेल्थ था सारा का सारा उसने क्या कर लिया लॉस्ट कर लिया तो ऑल क्या हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होगा बताइए तो कि क्वांटिटी होगा हाउ मच लॉस्ट हर वेल्थ तो एडजेक्टिव ऑफ ये हो गया क्वांटिटी मात्रा बता रहा है कितना वेल्थ लॉस्ट किया तो ऑल हर वेल्थ क्वांटिटी तो ऑल कैसा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मच हाउ मच का आंसर है और ये अनकाउंटेबल है हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है मात्रा है लेकिन अनकाउंटेबल है राम इज एन अनएडकेटेड बॉय राम क्या है आपका एडुकेटेड बॉय है तो क्या बता रहा है आपका गुण बता रहा है तो एडुकेटेड क्या हो गया क्वालिटी हो गया एड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी ओके नेक्स्ट देखिए देयर इज ए लिटिल लिफ्ट लिटिल ऑयल लिफ्ट इन द दोटल लिटल वाइल थोड़ा सा तो लिटल क्या हो गया आपका एड्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी क्योंकि यह हाउ मच का आंसर है अनकाउंटेबल है देअ आर सेवरल मिक्स टेक्स इन द टेक्स बुक तो सेवरल क्या होगा आपका सेवरल काउंटेबल नहीं हो गया हाउ मच का आंसर है यानी यह या भी हो गया क्वांटिटी डिफिनिट नहीं है इनडिफिनिट है और द क्लेवर थीपियड इन नाइट कैसी रात में thip जो है, मतलब चोर चोर है तो कैसा है क्लेवर है तो दिस इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी ओके डार्क नाइट अंधेरी रात तो डार्क भी आपका एडजेक्टिव है और कैसा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है रियाज वोर आ ब्यूटीफुल गाउंड इन रविज वेडिंग तो यहां पर ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिवस है और कैसा है तो क्वालिटी है सो so सिंपल तो ये आंसर भी आप लोगों ने बखूबी दे दिया और सीख लिया कि कौन सा एडजेक्टिव्स कैसा है और सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमें करेक्ट डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डालना है डेमोस्ट्रेटिव यानी पॉइंट आउट करने वाला वर्ड्स दिस दैट ओके फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन जी के क्वीज तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दोज लिख सकते हैं नहीं तो दीज भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है इसलिए दिस या दैट नहीं होगा ओके okay? दोज स्टूडेंट्स नहीं तो दीज स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन जी के क्विज दो या दीज कुछ भी लिख सकते हैं स्टार्स आर बिगर देन स्टार्स स्टार्स है मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा लिखिए दीज स्टार्स आर या दो ज स्टार्स आर बिगर देन दीज स्टार्स आर बिगर देन दो ज स्टार्स उलट करके भी कह सकते हैं दो ज स्टार्स आर बिगर देन दीज स्टार्स ओके और गर्ल इज वेरी सिंसियर इन क्लास दिस गर्ल इज वेरी सिंसियर इन क्लास ट गर्द भी आप बोल सकते हैं दिस या दैट कोई आप ले सकते हैं बुक इज योर्स दैट बुक इज योर्स दिस बुक इज माइंड तो दैट या दिस कुछ भी लिख सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है एनी वन यूज कर सकते हैं डे वेयर फुल ऑफ लाइफ तो क्या हो जाएगा यहाँ डे है डे वेयर 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 है यानी बहुत सारे दिन के बारे में कह रहा है तो यहाँ डेज लगा दीजिए दोज डेज वेयर फुल ऑफ लाइफ दो इज वेयर फुल ऑफ लाइफ और गर्ल इज ब्यूटीफुल बॉय इज हैंडसम तो हम लिख सकते हैं दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड दैट बॉय इज हैंडसम कुछ भी लिख सकते हैं दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल दिस बॉय इज हैंडसम या बहुत जगह दिस लिख सकते हैं या बहुत जगह दैट लिख सकते हैं एनीथिंग काइट्स आर फ्लाइंग सो हाई तो काइट्स है एक नहीं है बहुत सारे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या दोज काइट्स आर फ्लाइंग सो हाई दोज काइट्स आर फ्लाइंग सो हाई तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए नो प्रॉब्लम्स तो आगे बढ़ते हैं किनी को कोई दिक्कत नहीं है चलिए ये भी हम लोग देख ले इसे भी सॉल्व कर देते हैं फिलिंग द ब्लैक्स विद करेक्ट इंट्रोगेटिव एब्जेक्टिव अब हमें क्या फिल करनाट okay? तो तो yeah, लिखेंगे मोस्ट सुटेबल वर्ड यहाँ पर रहेगा व्हाट मैनर ऑफ बॉइज ही कैसा मैनर का वो लड़का है तो कौन कलर इज योर कार विच कलर इज योर कार आपकी कार का रंग कैसा है तो विच कलर इज योर कार और इज योर पेंसिल बॉक्स वेयर इज योर पेंसिल बॉक्स ओके प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग सन इज दिस हुज सन इज दिस ओके तो ये जो लगाने का होता है ये प्रैक्टिस से आप वाट विच वेयर उज का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही एक्सपर्ट होगा क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट पोजेसिव एडजेक्टिव्स फ्रॉम द असिस्टेंट बॉक्स असिस्टेंस बॉक्स असिस्टेंट नहीं असिस्टेंस बॉक्स तो इस बॉक्स में कुछ वर्ड दिया हुआ है और ये वर्ड क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है ओके योर देयर इट्स माई आवर हिज देयर हर तो चलिए ये दीज आर पोजेसिव एब्जेक्टिव और हमें यहाँ फिल करना है तो हम लोग शुरू हो जाए फर्स्ट है मदर इज अ टीचर इन जे पी पब्लिक स्कूल तो माई मदर हम लिख सकते हैं माई मदर इज टीचर इन जेपी पब्लिक स्कूल वी आर मीटिंग विथ ओल्ड फ्रेंड्स तो किसके आवर ओल्ड फ्रेंड्स तो यहां से हम लोग आवर ले लें वी आर मीटिंग विथ आवर ओल्ड फ्रेंड्स थर्ड देखिए द डॉग हैड हर्ट तो द डॉग हैड हर्ट इट्स लेग्स इट्स लेग डॉग के लिए हम लोग इट्स का उपयोग करेंगे और फोर्थ है दीज आर तो दीज आर बुक्स तो क्या लिखे दीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पर दीज आर देयर बुक्स टी एच ई आई आर देयर दीज आर देयर बुक्स ओके यू आर लेट फूड हैज बिकम कोल्ड तो क्या हो जाएगा यू आर लेट तुम देर हो योर फूड तुम्हारा भोजन हैज बिकम कोल्ड तो यहां पर योर हो जाएगा ओके, नेक्स्ट देखिए सिक्स हमारा छठा है क्या द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ हस्बैंड वॉक कर रहा है विथ किसके साथ वॉक कर रहे हैं हस्बैंड पत्नी के साथ है ना द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ हिज वाइफ ओके तो यहां हिज होगा क्योंकि यह हिज जो है हस्बैंड के लिए आ रहा है हर नहीं लिखेंगे ओके देयर so, नेम्स है ना टी एच ई आई आर देयर नेम्स आर रवि एंड अनिल देयर यहां पर होगा ओके okay. नेक्स्ट है ब्रदर हैज बाउट एंड एक्सपेंसिव कार तो एक लास्ट हमारा हर ब्रदर लिख सकते है? उसकी बहन उसकी भाई है ना उसकी भाई ने एक एक्सपेंसिव कार खरीदा है हर ब्रदर हैज अबाउट एन एक्सपेंसिव कार तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स माई आवर इट्स देयर योर हिज हर का उपयोग करते हैं सेंटेंस में ओके चलिए आगे बढ़ता हूँ और ये हमारा देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय अरेंजिंग अंडरलाइन वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है लिखना है तो देयर इज अ फैट काउ ब्राउन इन द सेड एक मोटी भूरी गाय सेड में है तो ये गलत है ये लिखाना चाहिए था क्या फैट ब्राउन काउ ठीक है ये नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि फैट है और ब्राउन काउ है इन द सेड ओके नेक्स्ट है सी हैड पर्क फाइव चॉकलेट्स तो गलत है क्या होना चाहिए था सी हैड फाइव चॉकलेट्स, ओके तो ये होगा फाइव पहले फाइव उसके बाद पर्क, उसके बाद होगा चॉकलेट्स ओके सी हैड फाइव पर चॉकलेट्स इन हर हैंड नेक्स्ट देखते हैं आई वॉन्ट रेड एप्पल्स राइप तो ये तो गलत है एप्पल्स क्या होगा सबसे लास्ट में होगा है ना तो आई वॉन्ट रेड राइप एप्पल्स ये सही है आई वॉन्ट रेड राइप एप्पल्स और अच्छा ये बोलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट राइप रेड एपल्स एडजेक्टिव को आगे पीछे कर सकते हैं मुझे लाल पका सेब चाहिए मुझे पका लाल सेव चाहिए सही है कोई दिक्कत नहीं है आई मेट फैट मैन अमेरिकन सॉट तो गलत है आई मेट short फैट अमेरिकन मैन ये सही होगा ठीक है आई मेट हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट छोटा अमेरिकन अमेरिकन फैट मैन ओके और इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आई मेट फैट शॉर्ट अमेरिकन मैन कोई दिक्कत नहीं है नाउन जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद होगा रोहन वाज अटैक्ट बाय ऑल बिग ब्लैक बुल डेंजरस गलत है होता चाहिए रोहन वाज अटैक्ट बाई ऑल बिग ब्लैक डेंजरस बुल है ना यह जो बुल है यह सबसे लास्ट में चला जाएगा ओके नेक्स्ट रबी वांट्स टू राइड ऑन ए यंग हॉर्स वाइट तो क्या होगा यहां नाउन को सिर्फ हम उठा करके लास्ट में डाल देंगे तो सही हो जाएगा रवि वांट्स राइड ऑन यंग वाइट हॉर्स ओके नेक्स्ट शीला इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट इंडियन गर्ल शीला इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट इंडियन गर्ल तो हम इसे बोल सकते हैं शीला इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल है ना शीला एक छोटी सी लड़की है सुंदर लड़की है इंडियन गर्ल उसी को बोला शीला इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट इंडियन गर्ल तो ये भी चलेगा और इसे अरेंज करके हम इसे अदला बदली भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह भी सही है न्यू ब्रिक तो यह गलत है नए ईटों से बना हुआ लवली घर में रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं न्यू ब्रिक लवली हाउस ओके माई मदर bakes डेलीसियस स्मॉल फ्रूट केक तो स्मॉल फ्रूट केक मेरी माँ बनाती है क्या डेलीसियस बहुत ही स्वादिष्ट और उसके बाद क्या है small छोटा और क्या फ्रूट केक तो हम लोग इसी इंटरचेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर इसी को इंटरचेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं माई मदर बेगस स्मॉल डेलीसियस छोटा सा डेलीसियस फ्रूट केक या डेलीसियस स्मॉल फ्रूट केक आप कुछ भी बोल सकते हैं एनीथिंग लेकिन इसे आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते ये चलेगा ओके okay? तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग एड्जेक्टिव का उपयोग करते हैं और कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं ओके okay? तो लेवल फोर में इतना ही है काफी है गुड बाय थैंक यू